क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्नी संग पहुंचकर करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन? आखिर क्यों सभी संत लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी सपत्नी अयोध्या में पधारे? नमस्कार दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को अब मात्र 8 दिन शेष बचे हैं। अब तो बस उल्टी गिनती गिनी जा रही है। भारत देश के कोने कोने से राम धुन सुनाई पड़ रही है। हर कोई राम भक्त प्रभु स्मरण करते नजर आ रहे हैं। देश और विदेश के गणमान्य नेता, वीआईपी लोग और साधु महात्मा लोग प्राण प्रतिष्ठा हेतु अयोध्या में पधारेंगे और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और देश की 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। ऐसे में मठाधीश और साधु संत चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पत्नी के साथ समारोह में पधारना चाहिए, न कि अकेले। तो क्या नरेंद्र मोदी सचमुच अपनी पत्नी जशोदा बेन के साथ पधारकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? आखिर साधु संतों और मठ के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या पधार रहे हैं, और जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी देशवासियों से क्या अपील की है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में बनने जा रहा है, क्योंकि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का यह स्वर्णिम दिन कई लोगों के त्याग और बलिदान के बाद से आया है। हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, तब जाकर यह खूबसूरत पल देखने को मिल रहा है। आखिरकार वह दिन अब आ चुका है जब 22 जनवरी के दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या की भव्यता को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर स्थापना के शुभ दिन पर समस्त नर नारी, सुर असुर, देवता मनुष्य, मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सभी शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के जाने माने राजनेता, फिल्मी कलाकार, उद्योग और क्रिकेट जगत की मशहूर हस्तियां सभी शिरकत करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, इसके अलावा क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आदि जानी मानी हस्तियां शामिल होंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक करीब 7,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें से 4,000 तो साधु संत और धार्मिक नेता लोग होंगे। इसके अलावा 50 प्रमुख देशों के एक एक मुख्य प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या तक दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सड़क मार्ग पर बस और रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दूसरे अन्य राज्य और बाहर देश से आए अतिथियों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसका नाम अभी वाल महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है, सुचारू रूप से चला दिया गया है। निश्चित रूप से यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने जा रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, सैन्य बल सड़कों पर खड़े रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यह भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले वह 11 दिन का अनुष्ठान कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ नासिक धाम पंचवटी से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों और जनसाधारण से यह अपील की है कि वे सभी लोग अपने निज निवास से अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद उठाएं, अपने घर से ही प्रभु श्री राम का स्मरण करें, क्योंकि 22 जनवरी के दिन अनुमानित रूप से हजारों लोगों की भीड़ वहां उपस्थित होगी। ऐसे में राम लल्ला के दर्शन कर पाना कठिन होगा। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी जनसाधारण और राम भक्तों के लिए प्रभु दर्शन हेतु मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गर्भगृह में नरेंद्र मोदी समेत कुल 10 से 11 लोग उपस्थित होंगे। रामलला के पूजन और महापूजन में कुल 40 मिनट का समय लगने वाला है, जिसमें रामलला के चरण धोकर उनकी आराधना की जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस दिन केवल राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि भारत देश में राम राज्य स्थापित होगा।
और जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि भारत देश के मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी इस खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम शांति प्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने अमीर गरीब छोटे बड़े इंसान जानवर जातिगत ऊंच नीच किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। अगर किसी की गलती थी तो वह उन धूर्त क्रूर मुगल शासकों की, जैसे बाबर और औरंगजेब की, जिन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर भारत देश के स्वतंत्र राज्यों पर हमला बोला, पवित्र मंदिरों और धर्म स्थलों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, पवित्र धर्म ग्रंथों का जलाया और अंत में उस जगह मस्जिद, दरगाह और अन्य इबादत घर बना दिया, संपूर्ण भारतवर्ष में बलपूर्वक इस्लामीकरण को फैलाया। लेकिन यह सनातन धर्म की शक्ति और प्रभु की महिमा है कि इतना विदेशी मुस्लिम आक्रमण सहने के बाद भी देश की सांस्कृतिक धरोहर कहे जाने वाले यह मंदिर फिर से यथावत उसी जगह खड़े हैं। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ प्रभु के चमत्कारों की, जिसमें हमने बताया था कि प्रभु श्री राम के बाल्य अवतार की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या में वानर सेना का प्रतीक कहे जाने वाले बंदरों का झुंड, गिद्धों का जमावड़ा तो भालुओं का झुंड भी देखने को मिला, मानो साक्षात प्रभु राम जी की वानर सेना जटायु और यक्षराज जामवंत राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहते हो। इसके अलावा आपको बता दे कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों को स्मृति स्वरूप उन्हें कुछ भेंट उपहार प्रदान किए जाएंगे। उपहार सामग्री में अयोध्या की रज, छोटे कलश में माता सरयू नदी का जल, भगवान श्री राम के प्रिया धनुष बाण और 22 जनवरी के स्मृति चिन्ह के रूप में एक चांदी का सिक्का और प्लेट दिया जाएगा। इसके अलावा गिर गाय के दूध घी से बने बेसन के लड्डू होंगे, जिसका वजन 500 ग्राम होगा, और यह सभी उपहार एक झुट के थैले में दिया जाएगा ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। इस झुट के थैले पर राम जन्मभूमि के संघर्ष की कहानी अंकित की होगी। अतिथि को देने के लिए ऐसे कल 11,000 बॉक्स तैयार किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पत्नी जशोदा बेन भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी। तो जैसा कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर आप एक सनातनी हैं और विवाहित है तो पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तब उनकी पत्नी वहां उपस्थित नहीं थी। ऐसी स्थिति में सोने की माता जानकी बनाकर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि जब कभी घर गृहस्थी में कोई कथा वाचन या पूजा पाठ होता है तो एक पति अपने पत्नी के साथ बैठकर अनुष्ठान करता है, तो संतों का मानना है कि ऐसे महान ऐतिहासिक दिन में प्रधानमंत्री का अकेले जाना ठीक नहीं है। अब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जशोदाबेन के साथ प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं या नहीं। कैसा लगा आज का वीडियो? कॉमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहने के लिए सीताराम टीवी यूट्यूब चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।